नमस्कार, कैसे हैं आप? आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे चहेते, मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम वोट की गारंटी देने वाले आजम खान। आजम खान सपरिवार जेल में हैं, उनका बेटा विधायक बाबर आजम और पत्नी भी जेल में है। वो आजम खान जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो आजम खान हमेशा चुप रहे जब सीएए पर पूरे देश भर में हंगामा था, जब शाहीन बाग में बवाल कट रहा था, आजम खान की चुप्पी थी, क्योंकि आजम खान तब भगौड़े थे, उनकी कुर्की जब्ती के आदेश हो गए थे। आप कल्पना कर सकते हैं आजम खान की कुर्की जब्ती के आदेश हो जाएं? वो आजम खान जो हमेशा जहर उगलते थे, उस आजम खान की कुर्की हो गई और मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र ने चुप्पी लगा दी। वो जेल चले गए, पत्नी के साथ जेल चले गए, बेटा बाबर आजम भी जेल चला गया और चुप्पी हो गई अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की, उस आजम खान को जिसे हमेशा अकर और अहंकार था कि समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोट मिलता है वो उनकी बदौलत मिलता है। तो फिर उस आजम खान की चिंता अखिलेश यादव को क्यों नहीं हुई? अब एकाएक जब रमजान शुरू हुआ तो रमजान होते होते अखिलेश बाबू को, इंजीनियर साहब को, अपने आजम चाचा की याद क्यों आ गई और उन्होंने ये क्यों कहा कि रमजान के मुबारक महीने में सरकार को चाहिए कि आजम खान को जेल से रिहा कर दे? तो क्या सरकार चुटकी बजाती है? क्या सरकार जेल से रिहा करती है? क्या सरकार ने जेल भेजा है? क्या अखिलेश ये भी नहीं समझते? या अखिलेश गुमराह कर रहे हैं? क्या राजनीति का यही मंत्र है कि ऐसे ही जनता को गुमराह किया जाता है, वोट बैंक ऐसे ही कब्जे में ले लिया जाता है? आजम को जेल तो अदालत ने भेजा है ना, ढाई दर्जन केस आजम खान के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें 400 बीसी से लेकर के भैंस चोरी, किताब चोरी, पता नहीं क्या क्या चोरी से लेकर के 420। अपने बेटे को विधायक बनाने की ऐसी बेचैनी आजम खान को कि अपना विधानसभा छोड़ करके जब वो जीत गए लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो विधानसभा की उनकी सीट थी वो किसी दूसरे मुसलमान को ना मिल जाए, किसी रिश्तेदार को ना मिल जाए, इसीलिए बेटा ही चाहिए। बेटा के अलावा आजम खान को कोई नहीं चाहिए था। ठीक उसी तरह से जैसे लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिंदगी राजनीति मुस्लिम MY समीकरण पे की, लेकिन आखिरी छोर तक सिर्फ बेटा की चिंता, स्वास्थ्य मंत्री भी उनका 5वीं फेल बेटा हो जाए, 9वीं फेल बेटा देश का राज्य का उप मुख्यमंत्री हो जाए, पत्नी जैसे पत्नी को, निरक्षर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने इतने सलाह सीबा सलार में सिर्फ राबड़ी आई और पूरी पार्टी नतमस्तक हो गई, साधु यादव से लेकर सुभाष यादव से लेकर जितने भी उनके साथी जो थे, रंजन यादव से लेकर सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन लालू की पूरी पॉलिटिक्स ऐसा लगा कि अपने दोनों बेटों की तरफ के लिए थी, अपनी बिटिया मीसा यादव के लिए थी, उसे राज्यसभा भेज दिया, जो एकमात्र सीट राज्यसभा के लिए था तो भी मीसा भारती को भेज दिया। ठीक उसी तरह से समाजवाद के नाम पे बात करने वाली समाजवादी पार्टी का समाजवाद पूरी तरह से परिवारवाद पे रहा और मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर अपने परिवार के लिए रही, अपने दोनों बेटों के लिए, पुत्र वधू के लिए, अपने चचेरे भाइयों के लिए, अपने सगे भाइयों के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी धरधरा कर गिरने लगा। सत्ता चली गई, योगी आ गए, तो आजम खान की राजनीति भी भरभरा कर गिरने लगी। आजम खान क्यों नहीं चिल्ला पाए? जो आजम खान मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम हित की बात करते थे, जो आजम खान कहते थे कि उनके पूर्वजों ने स्वीकार किया इस देश में रहना और इसी अपने इस भाषण पे वो तालियां पिटवाते थे, सैयद शहाबुद्दीन के बाद वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता पूरे देश में बनते जा रहे थे, उत्तर भारत में तो कम से कम तय था। वो आजम खान जब अरेस्ट हुए तो उस रामपुर में भी उनके पक्ष में रैली क्यों नहीं निकली? दरअसल अखिलेश इस बात को समझ रहे थे, दरअसल मुलायम सिंह यादव की सरकार में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आजम ने जिन लोगों को लूटा था, आजम खान ने जिनकी प्रॉपर्टी छीनी थी, वो दरअसल शिकायतकर्ता मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोग थे। यही कारण है कि शिकायत उस क्षेत्र के शिकायतकर्ता को तसल्ली हुई आजम के जेल जाने से, उन्हें लगा जिनके खिलाफ वो बोल नहीं सकते थे वो आज जेल जा रहा है। दरअसल यही कारण है
कि मुलायम पुत्र की भी इस पर चुप्पी रही। तो फिर जब रमजान शुरू हुआ तो एकाएक अखिलेश का आजम प्रेम क्यों जग गया? वो आजम खान जिसके साथ मुलायम की ऐसी मित्रता थी कि मुलायम के वो हनुमान कहे जाते थे। आजम खान पूरी जिंदगी में एक ही बार मुलायम सिंह से रूठे थे, पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन पार्टी दूसरी नहीं ज्वाइन करी। ये तब की बात है जब 2009 में एकाएक मुलायम सिंह को कल्याण सिंह से प्रेम हुआ, उस कल्याण सिंह से जिसने पूरी क्रेडिट ली थी मस्जिद गिराने की, उस मुलायम सिंह, उस कल्याण सिंह की जिसके साथ मुलायम की एकदम से टक्कर चल रही थी, बीजेपी से निकाले जाने की कंडीशन, बीजेपी में से बाहर हो जाने के कंडीशन में कल्याण सिंह ने मुलायम का हाथ थाम लिया था और जातिगत समीकरण बनाते हुए मुलायम ने कल्याण का दुरुपयोग किया, उपयोग किया, कुछ भी कह दीजिए। उस समय आजम नाराज हुए थे और आजम ने पार्टी छोड़ दी थी। वो आजम जो पूरी तरह से उसकी निष्ठा मुलायम परिवार के लिए है, उस आजम के लिए लगातार चुप्पी क्यों रही? तो क्या मुलायम परिवार को या फिर अखिलेश यादव ये राजनीतिक चाल चल रहे थे कि जो वोट बैंक के सौदागर थे आजम खान, वो बीच से उस आजम खान को निकाल करके पूरे वोट बैंक पर, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा सीधे मुलायम परिवार का होगा? आजम खान अब मुस्लिम वोट बैंक के बिचौलिए नहीं रहेंगे? क्या सपा इस रणनीति पर चल रही थी कि आजम खान अब बिचौलिए नहीं रहेंगे मुस्लिम वोट बैंक के, और इसीलिए आजम की चिंता उन्होंने दर्शाई कि रमजान के मुबारक महीने में आजम को छोड़ देना चाहिए? अखिलेश बेहतर जानते थे कि यदि इस आधार पर किसी आजम को छोड़ा जाना होने लगा तो तिहाड़ जेल में 60% और यूपी के जेलों से लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रमजान में यदि आजम को सिर्फ मुसलमान होने के कारण छोड़ा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे अपराधी होंगे जो सिर्फ मुसलमान होने के, वो मुसलमान है और जेल में, तो रमजान में उन्हें भी छोड़ा जाना चाहिए। अखिलेश को पता है कि इस तर्क से आजम को कोई फायदा नहीं होना है, लेकिन इस उनके इस तर्क से, वो तुष्टिकरण की नीति से मुस्लिम समाज के एक वर्ग को खुश कर लेंगे कि इतनी चिंता रमजान के लिए तो है आजम खान, अखिलेश यादव को। तो क्या एक चाल चली है उन्होंने? अखिलेश बेहतर जानते हैं कि आजम खान को जमानत सिर्फ इसी आधार पर मिल सकती है कि अदालत के अंदर दलील दी जाए कि उनके केस कमजोर हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। फिर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा क्यों, सरकार पे क्यों आरोप लगाया? अखिलेश यादव को यह भी पता है कि आजम खान के खिलाफ दर्जनों वारंट निकले थे, कुर्की निकली थी, डुगडुगी उनके खिलाफ पीटी गई थी, और ऐसा राजनीति में बहुत कम नेताओं के खिलाफ होगा कि अदालत ने इलाके में जाकर के ढोल बजा करके, पुराने जमाने में सुनते थे वो चीजें, आजम खान के साथ हुई, घर पे चिपका दिया गया कि आप भगोड़े हैं। आजम की गिरफ्तारी इस तरह से हुई है, आजम को गिरफ्तारी कोई सामान्यतः राजनीतिक द्वेष के कारण हुई ऐसा नहीं है, आजम की गिरफ्तारी दर्जनों केस में और शिकायतकर्ता उसी पार्टी से जुड़े हुए या फिर उसी समाज के लोगों की हुई जिन्होंने आजम को वोट दिया था। अखिलेश को समझना होगा कि वक्त बदल गया है, वोट बैंक की ये दांव पेच वाला वक्त नहीं रहा है। जिस चीज की याद अखिलेश को एकाएक रमजान के मुबारक महीने में याद आई, इस बात को अब वो भी समझ रहे होंगे जिन्हें अखिलेश अपना वोट बैंक समझते हैं। बहुत बहुत आभार। यदि विश्लेषण आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।